नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। धनतेरस पर्व आने वाला है तो आपको मैं पूजन मुहूर्त बताऊंगी। सबसे पहले आप सभी के लिए धनतेरस पर्व मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशहाली लाए, ढेरों सारी बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं। उसके बाद मैं बताऊंगी धनतेरस पूजन विधि, क्योंकि एक दिन आगे बढ़ के चल रही है तिथि, मतलब कोई भी तिथि जैसे जिस तिथि पर आ रहा है उसके आगे चल के पर्व मनाए जा रहे हैं, ये पंच पर्व जो हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ शुभ मुहूर्त कि 25 अक्टूबर को धनतेरस शुरू होगा। 25 अक्टूबर को 4:31 से शुरू हो के 26 अक्टूबर को 2:08 तक तेरस तिथि चलेगी। इस अवधि में शुभ मुहूर्त में आप जो भी खरीदारी करना चाहें कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा सुबह के समय भी बहुत शुभ होता है और विशेष पूजन का मुहूर्त 25 अक्टूबर को 7:08 से 8:15 तक विशेष शाम को पूजन मुहूर्त आप पूजन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ ये पर्व बहुत ही मंगलमय और शुभ है। ये पर्व इस बार लगभग 100 सालों के बाद पड़ रहा है, जो कि शुक्र प्रदोष के दिन पड़ रहा है और ऐसा मुहूर्त मतलब लगभग 100 सालों के बाद आ रहा है। देखो, त्रयोदशी, धन त्रयोदशी के दिन प्रदोष पड़ना बहुत ही शुभ है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी से संबंधित रहता है। माँ लक्ष्मी धन्वंतरी जी हैं, इनकी छोटी बहन है। धन्वंतरी जी का आज जन्म उत्सव मनाया जाता है, जो कि समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी जी औषधियों का कलश लेकर प्रकट हुए थे समुद्र से। तो मैं आपको बता रही हूँ शुभ मुहूर्त पूजन का और पूजन के समय क्या क्या करें वो भी बता रही हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा समुद्र का जल हो तो उसको ला के या नदियों के जल से आप कलश रख के पूजन कर सकते हैं। तो जो शुक्र प्रदोष का ये संयोग है और शुक्रवार जो कि लक्ष्मी माँ को अति प्रिय है, इस दिन जो चांदी की चीज़ें जो भी चीज़ें हैं आप खरीद सकते हैं, इस मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। और शुक्र प्रदोष का जो ये महत्व है, ये पिछले 2016 में भी था ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन प्रदोष नहीं था। शुक्रवार का दिन जरूर था, प्रदोष नहीं था, लेकिन इस साल शुक्र प्रदोष के दिन ये जो पर्व पड़ा है बहुत ही शुभ है, मंगलकारी है। आप प्रदोष काल में भी पूजन कर सकते हैं, शाम को 5:30 से 8 तक, यानी कि जब भी इस समय में इस अवधि में आपको फुर्सत मिले आप पूजन कर सकते हैं। सुबह का पूजा का भी काफ़ी महत्व है, सूर्य उदय से 10:30 तक भी सुबह का पूजा धन्वंतरी जी का कर सकते हैं। तो मैं आपको बताई हूँ धन्वंतरी जी का पूजन का शुभ मुहूर्त और विशेषताएँ जो शुक्रवार को ये प्रदोष पड़ा है, प्रदोष के दिन धनतेरस पड़ा है, इसका महत्व बताई हूँ। इसी तरह के वीडियो आगे भी हम आपको देंगे, आगे भी वीडियो देने वाले हैं तमाम धार्मिक उत्सवों को। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।